मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच पूरी दुनिया में प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं। इसी बीच नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में फुटबॉल मैच के बाद प्रो पैलेस्टीनियन और इजरायली लोगों में ऐसी हिंसा भड़की कि उसमें कई लोग घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहूदी विरोधी दंगाइयों ने इजरायली समर्थकों पर हमला किया, जिसके बाद 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसमें सिर्फ यही एक एंगल नहीं है, यह भी कहा जा रहा है कि फुटबॉल मैच देखने आए इजरायली टीम के जो सपोर्टर्स थे, जो मैच से पहले ही एंटी अरब स्लोगन्स बोल रहे थे, शहर में प्रो पैलेस्टीनियन फ्लैग को फाड़ रहे थे। इस घटना के बाद में फिलिस्तीन के समर्थकों ने इन इजरायलियों पर हमला कर दिया और दंगे जैसी स्थिति पैदा हो गई। लेकिन ये सिर्फ दावे हैं, पुलिस की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। इंटरनेशनल मीडिया हाउस अल जजीरा को फॉलो करें तो पता चलता है कि एम्स्टर्डम में मकाबी तेल अवीव और एजैक्स के बीच यूरोपा लीग मैच से पहले और बाद में इजरायली फुटबॉल फैंस फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों से भिड़ गए। झड़पें गुरुवार रात एजैक्स के होम स्टेडियम जोहान क्रूफ एरेरा के बाहर और शहर के दूसरे हिस्सों में हुई। एजैक्स ने यह मैच 5-0 से जीता था। एम्स्टर्डम से रिपोर्टिंग करते हुए अल जजीरा के स्टेप वेंसन ने बताया है कि झड़पें पिछले कुछ दिनों में बढ़ते तनाव का नतीजा थी। उन्होंने कहा कि सैकड़ों मकाबी तेल अवीव समर्थक एम्स्टर्डम में इकट्ठे हुए। उन्होंने घटना से पहले मुख्य चौराहे पर एक जोरदार रैली की, इजरायली झंडे लहराए और फिलिस्तीनी फ्लैग को उतार दिया। गुरुवार को पुलिस ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी थी कि वो एक इमारत से फिलिस्तीनी झंडे को हटाने सहित राजनीतिक रूप से आरोपित घटनाओं के कारण विशेष रूप से सतर्क रह रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस ने इस घटना को कैद कर लिया है, जिसमें इजरायली फैंस को नारे लगाते हुए दिखाया गया है, जबकि किसी ने फिलिस्तीनी झंडे को उतार दिया, इसका भी वीडियो है। खेल से पहले अन्य वीडियो में मकाबी फैंस की बड़ी भीड़ को अरब विरोधी नारे लगाते हुए भी दिखाया गया है। एम्स्टर्डम नगर परिषद के एक मेंबर के मुताबिक हिंसा तब भड़की जब इजरायली फैंस शहर में पहुंचे और मैच से पहले फिलिस्तीनी सपोर्टर्स पर हमला कर दिया। काउंसिलमैन जजी वेल्दुइजिन ने कहा है कि उन्होंने फिलिस्तीनी झंडों के साथ एम्स्टर्डम में लोगों के घरों पर हमला करना शुरू कर दिया, इसलिए यही से हिंसा शुरू हुई। जवाब में एम्स्टर्डम में स्थानीय लोग एकजुट हुए और मकाबी गुंडों द्वारा बुधवार को शुरू किए गए हमलों का मुकाबला किया और इसीलिए ये जो पूरा हमला है 3 दिनों तक लगभग चला। एम्स्टर्डम की पुलिस ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं उसके मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और तस्वीरों के जरिए अब वो असली दंगाइयों का पता लगा रही है और ज्यादा कोई डिटेल पुलिस ने अभी तक नहीं दी है। बहरहाल इस घटना पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी गुस्सा जाहिर किया है। जो बाइडेन जब कुछ ही दिन राष्ट्रपति के पद पर है, उन्होंने कहा कि एम्स्टर्डम में इजरायली फुटबॉल फैंस पर यहूदी विरोधी हमले घृणित हैं और इतिहास के उन काले क्षणों की याद दिलाते हैं जब यहूदियों को सताया गया। हम इजरायली और डच अधिकारियों के कॉन्टैक्ट में हैं और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए डच अधिकारियों की प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं। हमें यहूदी विरोधी भावना से लगातार लड़ना चाहिए, चाहे वो कहीं भी उभरे। इस बीच नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री डिक शूफ ने भी ट्विटर यानी कि एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, मैं एम्स्टर्डम में कल शाम और आज रात की घटनाओं को डरावनी और शर्म से देखता हूं। नीदरलैंड्स को कभी भी यहूदी विरोध को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैंने व्यक्तिगत रूप से ये बात आज रात एम्स्टर्डम में यहूदी समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव से कही है। मैंने उनसे एम्स्टर्डम की घटनाओं के व्यापक प्रभाव और समुदाय के अंदर मौजूद डर के बारे में बात की। ये यहूदी समुदाय में अनुभव होने वाले दुख और अनिश्चितता के बारे में एक मार्मिक बातचीत थी। हर दिन वे नीदरलैंड में बढ़ती यहूदी विरोधी भावना के नतीजों का अनुभव करते हैं। ये बात हजम नहीं हो रही है कि 2024 में ऐसी बातचीत जरूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एम्स्टर्डम और नीदरलैंड के बाकी हिस्सों में यहूदी समुदाय सुरक्षित महसूस करता है। हम अपने यहूदी साथी नागरिकों के लिए और उनके आसपास खड़े हैं। शूफ ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू से बात की है और उन्हें अपराधियों को पकड़कर सजा दिलाने का आश्वासन भी दिया है। नीदरलैंड और इजराइल दोनों देशों के नेताओं ने हमले को यहूदी विरोधी करार देते हुए निंदा की है। इजराइल ने कहा है कि वो फैंस को देश वापस लाने के लिए जहाज एम्स्टर्डम भेज रहा है। तो ये थी दोनों साइड की कहानी जो हमने आपके सामने रखी। एक दावा कि पहले इजरायली हुड़दंगियों ने प्रो
फिलिस्तीन प्रोटेस्टर्स को उकसाया, उन पर कमेंट किए, उन पर हमला किया, फिर बाद में फिलिस्तीन के समर्थकों ने, फैंस ने उन पर हमला कर दिया, जिससे दंगे जैसी नौबत आ गई। दूसरी तरफ का दावा है कि फिलिस्तीन समर्थकों ने इसराइल के समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अभी के लिए यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हिंसा मैच के बाद कब और कहां हुई, इसकी असली वजह क्या है, लेकिन यह मामला इतनी जल्दी ठंडा नहीं होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।